हाय दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी कार में तो बैठे ही होंगे और मेरे ख्याल से आप सभी ने एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल और ईएसपी के बारे में सुना होगा। तो आज मैं आपको उसका उपयोग बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं एबीएस की। एबीएस का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये हमारे कार के व्हील को लॉक नहीं होने देता। अब मान लीजिए आप स्मूथ सरफेस पे जा रहे हो, जैसे कि आप आइस पर जा रहे हो या वेट सरफेस पर आप गाड़ी चला रहे हो, और कुछ कुछ कंडीशन में अगर हम नॉर्मल हमारे रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, तो मान लीजिए बीच में कुछ ऑब्स्टेकल आ गया, तो हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, हमें ब्रेक का पूरा पैडल दबाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने ब्रेक का पूरा पैडल दबा दिया, तो अब विदाउट एबीएस वाली कार में क्या होगा, हमारा सभी व्हील लॉक हो जाएंगे और कुछ हद तक हमारी गाड़ी स्लाइडिंग होना शुरू हो जाएगी, हमारी गाड़ी ड्रैग होना शुरू हो जाएगी। अब स्लाइडिंग तो कोई अच्छी बात है नहीं, और उससे तो हादसा भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए अब आपकी गाड़ी में एबीएस है, तो एबीएस क्या करेगा, भले ही आपने ब्रेक का पूरा पैडल दबा दिया, बट एबीएस आपके सभी व्हील को लॉक नहीं होने देगा। वो ब्रेक लगाएगा फिर रिलीज करेगा, फिर लगाएगा फिर रिलीज करेगा। सो आपकी गाड़ी जल्दी रुकेगी और आपकी गाड़ी स्लाइडिंग नहीं होगी। सो आपकी गाड़ी स्लाइडिंग होने से बच जाएगी और आपके साथ हादसा नहीं होगा। तो ये बात हुई एबीएस की। अब बात करते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल की। सो ट्रैक्शन कंट्रोल में क्या होता है, आप सभी ने मूवी तो देखी होगी फास्ट एंड फ्यूरियस। तो उसमें हीरो क्या करता है, रेस के स्टार्टिंग में गाड़ी उसकी वही खड़ी रहती है, बट उसके पीछे के व्हील घूमते रहते हैं और उसमें धुआं निकलता है, सभी ने देखा होगा ये। तो बस उसको कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल बिना की कार। अब ट्रैक मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप आइस पर कार चला रहे हैं, तो आइस की वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि हम कार को एक्सेलरेट करते हैं तो कार वहीं पर उसका व्हील घूमने लगता है, कार का व्हील घूमेगा बट कार आगे नहीं जाएगी। सो ये बात हुई नॉर्मल गाड़ी की। अब मान लीजिए आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा फिर ब्रेक लगाएगा, फिर एक्सेलरेट करेगा फिर ब्रेक लगाएगा। तो उससे होगा क्या, आपकी गाड़ी धीरे धीरे आगे मूव होगी। सो आपके गाड़ी के व्हील एक ही जगह पर घूमते नहीं रहेंगे, आप आगे मूव कर पाएंगे। तो ये बात हुई ट्रैक्शन कंट्रोल की। अब बात करते हैं ईबीडी की। ईबीडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके भी नाम से हमें क्या पता चलता है कि ये ब्रेक फोर्स को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए मान लीजिए आप अपनी कार में जा रहे हो, आपकी एक एसयूवी कार है, आपकी बड़ी कार है, तो आगे आप अकेले बैठे हो और आपकी डिक्की में बहुत ज्यादा सामान पड़ा है और उसका वेट थोड़ा ज्यादा है। तो बिना ईबीडी वाली कार में क्या होगा कि भले ही ऐसा वेट अनइवन है, बट ब्रेक फोर्स कैसे अप्लाई होगा, ब्रेक फोर्स चारों व्हील पर इक्वली अप्लाई होगा, तो कुछ केसेस में ये आपके कार को अनस्टेबल बना सकती है। बट अगर मान लीजिए आपके कार में ईबीडी है, तो ईबीडी क्या करेगा, आपका वेट के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि आगे वेट कम है पीछे वेट ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, आगे के व्हील पर ब्रेक कम अप्लाई करेगा और पीछे के व्हील पर ब्रेक ज्यादा अप्लाई करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे के व्हील पर ब्रेक ज्यादा अप्लाई करे और पीछे के व्हील पर कम अप्लाई करे, वो स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए चारों व्हील पर अलग अलग फोर्स अप्लाई करेगा। सो उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। तो यह बात हुई ईबीडी की, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं ईएसपी की। ईएसपी मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम क्या करता है, ये प्रोग्राम आपकी गाड़ी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। मतलब कि आप बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हो और बीच में कुछ आ जाता है, तो नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करना करेंगे, नॉर्मल कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट और राइट जाने की कोशिश करेंगे। अब मान लीजिए हम लेफ्ट लेफ्ट मुड़ने की कोशिश करते हैं, तो
तो अगर लेफ्ट घूमने में हमने शार्प टर्न ले लिया तो क्या होगा, एक तो हमारी स्पीड ज्यादा होगी और हमने शार्प टर्न ले लिया तो गाड़ी पलट जाएगी हमारी। तो इससे बचने के लिए ये स्टेबिलिटी प्रोग्राम का यूज होता है। तो स्टेबिलिटी प्रोग्राम क्या करेगा, स्टेबिलिटी प्रोग्राम आपकी स्पीड को मेजर करेगा और आपने जो टर्न लिया है उसको मेजर करेगा। अब इस प्रोग्राम को ऐसा लगा कि अगर इस एंगल से टर्न लेने में हमारी गाड़ी पलट सकती है तो वो हमें उस एंगल पर टर्न ही नहीं लेने देगा। अब भले ही आपने बहुत ही शार्प टर्न लिया हो बट ईएसपी क्या करेगा, ईएसपी हमें उतना शार्प टर्न लेना ही नहीं देगा। वो स्टेबिलिटी के हिसाब से ब्रेक फोर्स को और हमारी स्टीयरिंग कंट्रोल को एडजस्ट करता है सो हमारी गाड़ी पलट नहीं जाएगी, सो हमारी गाड़ी फाइनली स्टेबल रहेगी। तो ये बात हुई ईएसपी की। सो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा एबीएस के बारे में, ईबीडी के बारे में, ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में और ईएसपी के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं फिर आऊंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।